गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम रणदीप कुमार रंजन, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नीना एंड बेबी स्पैरोज। नीना और गौरैया के बच्चे। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हु डज नॉट वांट टू अटेंड हर आंट्स वेडिंग बिकॉज शी हैज टू बेबी स्पैरो in the nest in her room. She is worried about them, that they all went for the wedding. Then they have to lock the entire house. How then the two baby sparrows will be fed? They'll die of hunger. But when her mother come to know the reason for her worry, she finds the solution. She told her that they live on window open for the parent sparrows to let in and feed their babies. Nina became happy and she readily went for the wedding. And when she returned, she found two little plump sparrows flying all over her room. She was very excited to see them. यह नीना एंड द बेबी स्पैरोज जो कहानी है, यह दो गौरैया के बच्चों की कहानी है, जिसमें यह इस स्टोरी में एक छोटी सी लड़की है जो अपने मौसी की शादी में अपने मौसी के यहाँ जाने वाली रहती है। बट लेकिन वह उदास रहती है। क्यों रहती है उदास? क्योंकि उसके घर में दो कुछ पक्षी स्पैरो रहते हैं, जिसके दो बच्चे हैं, और वह सोच रही है कि इफ आई विल गो टू आंट्स होम, यानी मैं अगर मौसी के यहाँ चला जाऊँगा, अगर मैं मौसी के यहाँ चली जाऊँगी तो फिर इन बच्चों का खाना कैसे होगा, इसे कैसे खाएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद सारे गेट एंड विंडो सभी के सभी क्लोज हो जाएंगे, जब तब तो ये भूखे मर जाएंगे। But when her mother to know the reason for her worry, और यह सोच करके तो वह चिंतित थी, बट जब उसकी माँ उसकी चिंता का कारण जानी तो उसने इस समस्या को सॉल्व कर दिया, यह कह करके कि जब हम लोग जाएंगे शादी में शामिल होने के लिए तो अपने घर की खिड़कियों को छोड़ देंगे, जिससे उसके पिताजी और अंकल उसके लिए भोजन बाहर से लाएंगे और उसे खिलाएंगे। यह सुनकर नीना बहुत खुश हो गई और उसने साथी में जाने का निश्चय कर लिया। जब वह पुनः वापस लौटी तो पूरे घर में वह बेबी स्पैरो फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रहा था। यह देख करके वह बहुत खुश हुई। सिवा वेरी एक्साइटेड उसी दिन, उन्हें देख करके बहुत खुश हुई। थैंक यू।